अरे बेटा टुनटुनी, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें देखने के लिए बड़े घोंसले से कुछ कौवे और कुछ चिड़े देखने आ रहे हैं। अगर उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम्हें और गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी, तुम राज करोगी राज। माँ आप इतना डर क्यों रही हो, आ जाने दो उनको। वैसे भी मैं तो मेकअप करने में इतनी माहिर हूँ, आप तो जानती ही हो, मैं अभी मेकअप करके सुंदर सी बन के आ जाती हूँ। तभी रिश्ते वाले टुनटुनी को देखने के लिए आ जाते हैं। हमारा बेटा कालू का वो बहुत बड़ी खेत का मालिक है, हमें आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें तो बस एक सुंदर और सुशील सी चिड़िया चाहिए। आप अपनी बेटी को बुला लीजिए, अगर भगवान की मर्जी हुई तो जोड़ी बन जाएगी। टुनटुनी बेटा इधर आना। जी माँ अभी आई। अरे वाह, आपकी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, आप जल्दी से अब शादी की तैयारी कीजिए। कुछ दिन बाद टुनटुनी की शादी कालू कौए से हो जाती है। कालू कौआ टुनटुनी को बहुत प्यार से रखता था। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन कालू कौआ अचानक डरा सहमा सा घर आकर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। टुनटुनी अजी क्या हुआ, आप आराम से बताइए। टुनटुनी हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए, सारे खेतों में आग लग गई है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अजी आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन टुनटुनी कुछ ही दिन में मेरी बहन की शादी है, सब जगह कार्ड भी बट चुके हैं, अब मैं शादी के लिए खर्च का पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं बचा है। सुनिए जो मैं माइकी से कहने लाई थी, आप उनको बेच दीजिए, उनसे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। नहीं टुनटुनी, इतने पैसे शादी के लिए काफी नहीं होंगे, मैं ऐसा करता हूँ कड़कनाथ सेठ जी से पैसे कर्ज ले लेता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा कड़कनाथ सेठ के पास कर्ज लेने पहुँच जाता है। ये लो पूरे 1,00,000 रुपए, और हाँ ये पैसे मुझे 1 महीने में वापस मिल जाने चाहिए, अगर मेरा पैसा समय से वापस ना मिला तो अंजाम बहुत बुरा होगा कालू। इतना सुनकर कालू कौवा पैसे घर ले आता है और उन पैसों से अपनी बहन की शादी कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सेठ जी के आदमी कभी भी अपने पैसे वापस लेने आते ही होंगे, लेकिन मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया, पता नहीं अब क्या होगा। तभी कड़कनाथ सेठ वहां आ जाता है। ओए कालू, तुझे कहा था ना 1 महीने बाद पैसे वापस लौटा देना, लेकिन तू नहीं आया, इसलिए मुझे आना पड़ गया। ला अब ब्याज के साथ पूरा पैसा वापस निकाल, और अब ब्याज भी 2 गुना लगेगा। लेकिन मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया, मुझे और थोड़ा समय चाहिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। तूने ऐसे ही हमें बेवकूफ माना हुआ है क्या, तू ऐसे पैसे नहीं लौटाएगा, चल तू अब मेरे साथ चल। कड़कनाथ सेठ कालू कौवे को पिंजरे में बंद कर देता है। हे भगवान अब मैं क्या करूं, कालू जी को साहूकार के पास से कैसे छुड़ा कर लाऊं। मैं ऐसा करती हूं, जो मैं माइकी से कहने लाई थी वो मैं सेठ को दे देती हूं, फिर कड़कनाथ सेठ मेरे पति को छोड़ देगा। इतना बोलकर टुनटुनी अपने सारे गहने लेकर सेठ के पास जाती है। सेठ जी मेरे पति को छोड़ दो, ये गहने मैं लेकर आई हूँ, ये रख लो आप और मेरे पति को छोड़ दो, बाकी के पैसे मैं लौटा दूंगी। ला दे ये गहने। सेठ जी मैंने आपको गहने दे दिए हैं, अब मेरे पति को छोड़ दो। कौन से गहने दिए हैं तुमने मुझे, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे गहने दिए हैं? जाओ जाओ यहाँ से, 1 हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं लेकर आई तो अपने पति की लाश ले जाना। इतना सुनकर बेचारी टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से अपने घर आ गई। हे भगवान अब मैं क्या करूं? अब मैं 1 हफ्ते में पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मुझे मेकअप करना तो आता है, मैं ब्यूटी पार्लर ही खोल लूं। वैसे भी मैं मेकअप में माहिर हूँ, हाँ हाँ मैं यही करती हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर खोल लेती हूँ, इससे मैं अपने पति को छुड़ाने के लिए पैसे जोड़ सकती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने ही घर में ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। उसके पास बहुत से पक्षी मेकअप कराने के लिए आने लगे। एक दिन एक बदसूरत पिंकी चिड़िया मेकअप कराने के लिए टुनटुनी के पास आती है। बहन क्या तुम मेरा मेकअप कर दोगी, सब मुझे बदसूरत कहते हैं, क्या मैं भी सुंदर लग सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब देखना मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें कितनी
भी सुंदर बना दूंगी। तभी टुनटुनी उस चिड़िया का मेकअप करके उसे बहुत सुंदर बना देती है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर हो गई। अब कोई मुझे बदसूरत नहीं कहेगा, अब मैं सबसे सुंदर हो गई। बहन, मैं तुम्हें मेकअप करने के लिए कितने रुपए दूं? बहन, तुम मुझे 1000 रुपए दे दो। ये लो 1000 रुपए। अरे ये क्या, ये नोट तो नकली है, इस नोट को कोई भी नहीं लेगा। तुम मुझे असली नोट दो, मैं इस नोट को नहीं ले सकती। नहीं नहीं, ये नोट असली है, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती। अच्छा चलो, फिर मैं पुलिस बुला लेती हूँ। अगर ये नोट नकली निकला तो तुम जेल की हवा खाओगी। नहीं नहीं बहन, मुझे माफ करना, मेरे पास नकली नोट ही है। मैं गरीब हूँ और बदसूरत भी। अपनी बदसूरती को दूर करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बहुत कम दाम पर ये नकली पैसे खरीदे थे और तुम्हें दे दिए। फिर टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस चिड़िया से नकली नोट ले लूं और सेठ से अपने पति को छुड़ा लाऊं। ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। तुम्हारे पास जितने भी नकली नोट हैं, वो तुम सब मुझे दे दो। ये लो, मेरे पास 1 लाख से ज्यादा के नकली नोट हैं, मैं सब तुम्हें दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उन पैसों को लेकर कड़कनाथ सेठ के पास पहुँचती है। ये लो सेठ जी, आपके 1 लाख रुपए दुगने ब्याज सहित वापस कर रही हूँ। अब मेरे पति को छोड़ दो। लगता है पैसे कहीं से चोरी करके लाई हो, पर मुझे तो पैसे से मतलब है। चल छोड़ देता हूँ तेरे पति को। इतना बोलकर सेठ कालू कौवे को छोड़ देता है। टुनटुनी घबराकर कालू कौवे के साथ घर आती है। अजी, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैंने सेठ को जो पैसे दिए हैं, वो सब नकली है, इसलिए सेठ के पक्षी कभी भी यहाँ आ सकते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं और शहर के जंगल आ जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और खुशी खुशी कालू कौवे के साथ रहने लगती है।